तो सौदा आपका में मेरे साथ है प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के सीएमडी किरण जाधव। गुड मॉर्निंग किरण। निफ्टी में हम देख रहे हैं दबाव है 24 अंकों का, 8608 609 के लेवल्स, आपकी सलाह। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। सी निफ्टी में आज और कल कुछ ना करे तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि निफ्टी में बहुत वोलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी। पर अगर कोई कंपल्सिव ट्रेडर है तो इसने आज निफ्टी ने एक अहम लेवल तोड़ दिया है, 8620 का लेवल था वो, तो 8620 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि 8625 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और अगर मार्केट में थोड़ी वीकनेस बढ़ती है तो 8550 के लेवल आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, और साथ ही मैं एक आपकी ट्रेडिंग टिप समझना चाहूंगी आज के बाजार के मूड को देखने के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं आज और कल कुछ मत कीजिए ज्यादा एक्शन, तो आप क्या सलाह देंगे? हाँ, इंफ्राटेल मुझे लगता है बहुत अच्छा सेल कॉल है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत अच्छे खासे देखने को मिले हैं, और उसके साथ हमने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिरावट देखी है। आज की बात करें तो आज पहले ही घंटे में इंफ्राटेल ने करीबन 7% फॉल दिखाई दिया है, और उसके साथ ओपन इंटरेस्ट एडिशंस मेरे ख्याल से 8-9% के दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इधर से बहुत गिरावट होनी चाहिए। जब मैंने कॉल दिया था तब ये 315 के करीब ट्रेड कर रहा था, तो अभी 306 आ गया, तो मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों रिवाइज करूंगा। अभी स्टॉप लॉस रहेगा 315 का, और टारगेट्स के लिए आप 285 की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल तक। दूसरा कॉल रहेगा टाटा स्टील पे। टाटा स्टील पे मुझे तेजी लगती है, होनी चाहिए। इधर स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 465 का, और 476 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।